भैया भाभी ने मतलब 56 भोग बना दिया हमारे लिए ब्रेकफास्ट में। भाई हल्द्वानी की ब्यूटी जो है ये है, कितनी ग्रीनरी यहाँ पे, मजा आता है इसे देखने मेरे को। भैया जा रहे हैं थोड़ा घूमने, फिलहाल तो पार्किंग बनी हुई है इसमें, हम भी गाड़ी यहीं पे डाल के घुमा लेते हैं। भाई सुबह के बज रहे हैं 7:30, ठीक है, विदाई वगैरह सब हो चुकी है, मतलब 6:30 बजे के राउंड विदाई हुई, ठीक है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो कोमल की फ्रेंड्स वगैरह को हम छोड़ देंगे बस स्टैंड, एंड उसके बाद हम जाएंगे पुआ के वहाँ। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, ठीक है। ये देखो हमारे साथ और भी ब्लॉगर्स हैं पीछे, तो भाई अपना प्रमोशन करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी हम हल्द्वानी की सड़कों में घूम रहे हैं सुबह सुबह, सो वी आर एक्सप्लोरिंग द हल्द्वानी। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं यूनिवर्सल स्कूल, कुछ लोगों की पढ़ाई जो है वो अधूरी रह गई थी, ठीक है, तो स्कूल जाके पहले पढ़ाई पूरी करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इस कोमल की फ्रेंड सारी जा रही हैं, चलो बाय। गाइस गर्ल्स को हमने छोड़ दिया है बस स्टॉप, अभी हम जा रहे हैं बुआ के वहाँ, तो हम जाएंगे पीली कोठी, ठीक है, जहाँ बुआ रहती है अपनी, एंड थोड़ी देर में आ जाएगा आगे चौक, वहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। इस पीली कोठी आ गए एंड यहाँ से अपने को अंदर जाना है इस वाली रोड पे, यहीं पर रहती है अपनी बुआ जी। गाड़ी मुझे लग रहा है कोमल इसी प्लॉट में लगानी पड़ी गाड़ी। बुआ बढ़िया ये आ गई हमारी कॉफी, कॉफी एंजॉय कर लेते हैं मस्त करके। बुआ के यहाँ कॉफी, हाँ हम किसी इनविटेशन में नहीं, हम ये ब्रेकफास्ट है नॉर्मल हमारे लिए। एंड भैया भाभी ने मतलब 56 भोग बना दिया हमारे लिए ब्रेकफास्ट में, एंड हम लोग तो सो भी गए थे, अभी टाइम भी बहुत हो गया ना, कितना हो रहा है बुआ टाइम, 11:30 हो गया, चलो फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देखने में काफी टेस्टी लग रहा है, शुरू करते हैं। सो गाइस नहा के चेंज कर लिया, ठीक है, एंड अभी तक बुआ के वहीं हैं, 2 बज गया, देखते हैं अभी क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, आज ही जाएंगे, आज घर तो नहीं जा पाएंगे ये तो कन्फर्म्ड है, तो हाफ वे तक जाके फिर वहाँ से कुछ किया जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखते हैं, चलते हैं छत में, चलते हैं सब लोग छत में बैठे, तो छत में चल के देखते हैं, से बात करते हैं क्या सीन है। गाइस क्या मस्त दोबारा किए, छत में बैठे हैं भाई हम तो ऐसे करके, भैया मैं और बुआ, बड़ा मजा आ रहा है, धूप सेक रहे हैं, एंड हमारा प्लान हो गया है कि आज हम यहीं रुकेंगे, कल जाएंगे सुबह सुबह घर, कल लेकिन भैया जल्दी निकलेंगे हम सुबह 6 बजे, ठीक है, ना नाश्ता ना कुछ, ओके, ठीक है। शाम का टाइम हो गया भाई, 5:15 हो रहा है, और भाई तो भयंकर ठंडा होने लग गया ना अभी शाम होते, ये देखो बाहर का नजारा। भाई हल्द्वानी की ब्यूटी जो है ये है कि मतलब हल्द्वानी भाई होने को तो शहर है अभी, कितनी ग्रीनरी यहाँ पे, मजा आता है ऐसे देखने मेरे को। सो गाइस शाम का टाइम हो गया है एंड मैं और भैया जा रहे हैं थोड़ा घूमने, आगे तक घूम के आते हैं, आज हम दिन भर घर ही में थे ना, रेस्ट कर रहे थे, इसलिए अभी घूम के आते हैं, गाड़ी में हमारी यहीं लगी पास में, लगी अपनी गाड़ी, और ना मैं जूते भी चेंज कर लेता हूँ, मैं जूते कल वाले पहने हुए हैं, नॉर्मल स्नीकर्स पहन लेते हैं अपने। आ गए ये आगे गए हम यहीं पे थे, पीली कोठी रोड है, ठीक है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अपना प्लॉट देखने, ठीक है, अपना प्लॉट दिखाते हैं आज आपको, कौन सा प्लॉट है हमारा, कहाँ पे है, ओके, फिर उसके बाद हम जाएंगे GI से मिले जाएंगे, एंड जी हाँ उनका उनका कहाँ पे, उनका है कमलवा गांजा, कमलवा गांजा कहाँ पे, हमारा प्लॉट भैया यहीं पे तो है कहीं, आ गया यही वाले, हाँ मयूर विहार, ये रहा मयूर विहार, देखना गाड़ी आ गई, रोड ना थोड़ी वो है मतलब पतली है ना, कंजेस्टेड है एक्चुअली, हल्द्वानी में ऐसी रोड है हर जगह, हाँ। बट वो हमें दिल्ली की आदत हो गई ना 4 लेन रोड की, इसलिए थोड़ी ज्यादा पतली लग रही रोड। ये जगह जो है ये है पीली कोठी में मयूर विहार Phase 2, ठीक है, यहीं पे अपना एक छोटा सा प्लॉट है, फ्यूचर में देखेंगे अगर मन होगा तो वहाँ पे हम घर बना के शायद हो सकता है आ जाए, मे बी एंड मे बी नॉट, क्योंकि अब सिटी की आदत लग गई ना, तो इसलिए थोड़ा ऐसा ही है सीन भाई। गाइस हमारा प्लॉट यही है क्या, हाँ यही है, फिलहाल तो पार्किंग बनी हुई है इसमें, हम भी गाड़ी यहीं पर डाल के घुमा लेते हैं। ये दिख रहा है आपको पूरा, यही वाला है हमारा प्लॉट, इस प्लॉट तो देख लिया हमने, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं एक दूसरी जगह जा रहे हैं, वैसे ना 5:30 हो चुका है एंड मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, क्यों भैया, 20 मिनट, हाँ 15-20 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा, और ठंडा भी बाहर बहुत हो रहा है, अंदर तो हमने भाई गाड़ी में हीटर वगैरह चला रखा है, यहाँ से राइट ना, लेफ्ट
तो मैंने आधा घंटा बोला था बट 15 मिनट में हो गया अंधेरा। ठीक है, हम भी पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट पहुंच जाएंगे। हैं भैया लगा दी यहाँ पे, अरे यहाँ थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा जिया जी का घर देखने के लिए। सो गाइस, हम खड़े हैं इस टाइम पे जिया जी के घर के छत पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंटर पढ़ने की तैयारी हो रही है और कल परसों पड़ेगा जिया जी लेंटर है। चलो बढ़िया, चलो प्रियांशु नीचे चलते हैं। उधर से आकर ये गेस्ट रूम हो गया, फिर गेस्ट से अंदर कनेक्शन। ओके, अभी तो पूरी बल्लियां लगी होंगी ना पूरी, उसके चक्कर में लेंटर वगैरह पड़ जाएगा, फिर बल्लियां हटेंगी तब पता चलेगा पूरा। किचन ये हॉल पूरा सही है, काफी बड़ा है। गाइस अभी ना अंधेरा हो गया है। ठीक है, ये घर बाहर से, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, ये कुछ डूब भी नहीं रहा है। ठीक है, ठंडा भी हो रहा है भाई, बाहर चलते हैं यहाँ से। सो गाइस, हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ एंड फ्रंट सीट में हमारे साथ बैठे हैं हमारे भांजे श्री प्रियांशु। हेलो, जो कि हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, कहीं इंटरनेट नहीं होता ना तो भाई भाई व्लॉग ना डाउनलोड कर लेता है पहले। क्यों भाई? बिल्कुल। खाने वाले चिकन जो बनाया भैया ने अपने हाथों से, नहीं भैया ने बनाया, जो बनाया भैया ने, टेस्ट कर लेते हैं। सुबह इस खाना वाना खा लिया। ठीक है, एंड रात के 10:30 हो गया, अभी सोते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के निकलना है। ओके, तो इस वीडियो करते हैं खत्म एंड आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। तो पहले गुड नाइट, टेक केयर एंड देखते रहिए पीयूष के व्लॉग्स। और गंजू बेटा, क्या नाम है आपका? इधर देखो, नाम बताओ नहीं बताओगे नाम?